अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और यहाँ भी होंगे, खुश होंगे। तो आज हम अपने हेरिटेज के साथ हैं। नई तो नहीं है, तो काफ़ी पुरानी है, पर हमने इसको आज अपने लिए चुना था कि आज हम इस पर व्लॉग करेंगे। तो ये है जी अकबरी सराय। अकबरी सराय वाक्य है जी शाहदरा ज़िला, शाहदरा जो लाहौर का हिस्सा है, ज़िला के राजधानी की दूसरी तरफ है। तो आज हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ उनको पसंद आएगा और इस पर भी रिसर्च। तो आई थिंक आने वाले वक्तों में फिर होगी। तो जी अकबरी सराय के अतराफ में आपको ये रूम नज़र आ रहे हैं। इसके चारों तरफ रूम हैं जो किसी दौर में, यानी बाहर से जो लोग आते थे लाहौर, मुग़ल एम्पायर या उससे पहले जो भी था, तो ये यहाँ ठहराए जाते थे। आई थिंक मुग़ल एम्पायर की ही बात है, और उससे पहले तो अकबरी सराय नहीं हो सकती, अकबर के दौर की बनी है। और ये इसके यानी चारों तरफ इस तरह एक एंट्रेंस है। इसके अगर आप जब एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पर जहांगीर का मकबरा, ये सामने जहांगीर के मकबरे की एंट्रेंस है। और अगर हम इसकी लेफ्ट साइड पे हों तो वहाँ पे एक मस्जिद नज़र आती है जो अकबरी सराय का हिस्सा है, और वहीं से एक रास्ता जाता है जो उसकी तरफ आसिफ जाके मकबरे की तरफ जाता है। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ये अकबरी सराय में मस्जिद है, और ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी अपने वक्त में, आज भी खूबसूरत है। और इसको सिर्फ हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है, और हमारी भी तवज्जो चाहिए कि हम भी इस चीज़ों को, अपने विरसे को संभाल के रखें, और वहाँ अपने नाम और खताती मत छोड़ें। प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगहों पे अपने नाम वगैरह मत छोड़ें। ये हिस्टोरिकल साइट्स हैं, हमारा इमेज गलत जाता है दुनिया में इन चीज़ों से, तो लिहाजा कहीं भी मैंने तो देखा मस्जिदों में भी लोग अपने अपने नाम छोड़ के गए हुए हैं। चले मकबरे नज़र आते हैं, वो ऐसी जगह एयरपोर्ट नज़र आता है, पर मस्जिद तो छोड़ दें भाई मेरे, मस्जिद में तो अपने नाम मत लिखें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से।
डायलॉग हमारा यही था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद नई एनर्जी के साथ आगे आपको नई वीडियोस दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतरी ही लाएं। तो आज तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।